गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। मैं आपको एक बार प्रीवियस क्लास समराइज कर दूं, क्योंकि आज की क्लास तभी समझ में आएगी जब आपको पहले ये क्लास याद होगी। वैसे तो याद होगी क्योंकि कल ही तो पढ़ी है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको, कल हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई थी। क्या कि सर अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ, जैसे NaCl, जैसे MgCl2, ठीक है, या मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल दिया था, तो ये सारे सब्सटेंसेस सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसे NaCl हो जाता है, जैसे AlCl3 हो जाता है, या एसोशिएट हो जाते हैं, जैसे मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिसोल्व करूं, तो क्या होगा, एसोसिएशन, ठीक है। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी, क्योंकि उसको तो नंबर ऑफ मोल्स से मतलब है सॉल्यूट के। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। तो हमारे सामने एक समस्या आ रही थी, क्या कि जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे थे वो डिफर कर रही थी हमारी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। क्लियर है बात मेरी। मैंने आपसे कहा था कि इस समस्या का समाधान कौन देगा, हमारे बाबा वांट ऑफ, ठीक है। हमने कहा था कि वांट ऑफ ने फैक्टर दिया क्या, आई। उन्होंने कहा कि आई ये बताता है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने गुना पार्टिकल बढ़ गए सॉल्यूट के, या कितने गुना पार्टिकल कम हो गए, ठीक है। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या फॉर्मूला होता था, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है बात मेरी। और निकालना भी सीख लिया था, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करा दूं, या कोई नया एग्जांपल ले लें, जैसे Na2SO4, ठीक है। अब भैया ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाएगा और टूट कर क्या बनाएगा, 2Na+ + SO4 2-। अब देखो जरा कहानी क्या है, आपने डाला कितना मोल था, 1 मोल। अब 1 मोल डिसोशिएट हुआ, 2 मोल इसके बने और 1 मोल इसका बना। क्लियर होती है बात मेरी, यानी कि पार्टिकल कितने गुना बढ़ गए, सर 3 गुना, ठीक है। इसमें आई क्या होगा, सर बाद के मोल्स अपॉन में पहले के मोल, कितने हो गए, 3। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। ऐसा कब होगा, अब सुनो समस्या एक और है, ऐसा कब होगा जब ये पूरा 1 मोल डिसोशिएट हो गया, है ना, यानी कि इसका अल्फा कितना हो 100%, और यू कैन से अल्फा कितना हो 1। क्या होता है अल्फा, जानते हो अल्फा होता है कि एक में से कितने मोल डिसोशिएट हुए या एक में से कितने मोल एसोशिएट हुए। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मेरे पास 2x है, ये एसोशिएट होता है किसमें, x2 में, किसमें एसोशिएट होता है, x2 में। मैंने इसका 1 मोल लिया शुरू में, तो इसका कितना मोल बनेगा, आधा। अरे इसके 2 बना रहे 1, इसका 1 बनाएगा आधा। मैंने कहा वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, सर 1/2 आया ना, वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये पूरे के पूरे 2 मोल डिसोशिएट हो गए। बोलो हाँ ना, बिल्कुल सही बात है, यानी कि अल्फा कितना हो 100%। अल्फा क्या होता है सब जानते हैं आप, फिर भी रिकॉल कर दूं कि अल्फा एक्चुअली में बताता है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को, मतलब कि हाउ मच मोल एसोशिएट और डिसोशिएट। क्या कहा मैंने, हाउ मच मोल एसोशिएट और डिसोशिएट। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा, कितने में से, 1 में से, ठीक है। मतलब इनिशियली मैंने माना मेरे पास 1 मोल था, अब कितने मोल डिसोशिएट हुए, कितने मोल एसोशिएट हुए, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। जैसे जस्ट इमेजिन, अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि मेरे पास इसका 1 मोल था और इसके शुरू में 0 थे, इसके शुरू में 0 थे, इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, डाला था बस। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने कहा इसका अल्फा अब 100% नहीं है, इसका अल्फा 50% है। जस्ट इमेजिन, बात समझ में आ जाएगी इसी एग्जांपल से, इसका अल्फा कितना है, 50%। आपने कहा मतलब सर, मतलब इसके एक में से कितने मोल डिसोशिएट हुए, 0.5, कितने मोल डिसोशिएट हुए, 50% मोल, 0.5। यानी कि हम सोच रहे थे कि लास्ट में इसके 0 मोल बचेंगे, पर अभी इसके कितने मोल बचे हुए हैं, 0.5। डिसोशिएट कितने हुए भाई, 50%। क्लियर होगी बात नहीं, तो कितने बचे, 0.5। अब इसका 1, इसके 2 मोल बनाता है, इसके 1 मोल बनाता है, तो इसका 0.5 इसके कितने मोल बनाएगा, 0.5 × 2 यानी कि 1, और इसके 0.5 × 1 यानी कि 0.5। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत यहां पर,
ठीक है, इतना समझ में आया कि अल्फा का क्या रोल है। अल्फा बताता है कि कितने मोल्स डिसोशिएट हुए, ठीक है, एक मोल में से, या कितने मोल एसोशिएट हुए। इसको अपन लिखते हैं अल्फा से, किससे लिखते हैं अल्फा से, क्लियर है। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा था कल की दो फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी में, है ना, उनका रट्टा मार लो, बाकी अच्छे सवालों में वो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा और इसी तरीके से करना है सब कुछ, ठीक है। कहीं भी कैसा भी सवाल आ जाए इस तरीके से हो जाएगा। सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं, बहुत आसान है, सुनो, खुद से निकालोगे आप लोग, आपको किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है अल्फा निकालने के लिए या वांटा फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से निकालोगे, सुनो ध्यान से, जस्ट इमेजिन मेरे पास NaCl है, है ना, NaCl हल्का आता है, मैंने इसी समझाते हैं। अच्छा टूट गया किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। इनिशियल इसका कितना मोल लिया मैंने, मैंने माना 1 मोल, ठीक है, इसके 0 इसके 0, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसका अगर पूरा एक मोल डिसोशिएट हो जाता, ऐसा कब होता, जब अल्फा कितना होता 100%, ठीक है। अब अल्फा जब 100% होगा, उसकी कहानी हम कल कर चुके हैं ना, उनकी सारी बातें हम लोग कल कर चुके हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बातें हो सकती थी मैंने की थी, कब, जब अल्फा 100% हो। अब हम आज बात करेंगे कि अल्फा 100% नहीं है, ठीक है, सुनना ध्यान से। मैंने कहा NaCl का मेरे पास इनिशियली एक मोल था, अगर अल्फा 100% होता तो इसका एक मोल डिसोशिएट होके इसका एक मोल बनाता, इसका एक मोल बनाता। मैंने कहा कि इसका पूरा एक मोल डिसोशिएट नहीं हुआ, इसके एक में से अल्फा मोल डिसोशिएट हुआ। अल्फा मतलब ये 0.5 भी हो सकता है, ठीक है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्लियर हो गई बात नहीं, ध्यान से। मैंने कहा इसके कितने मोल डिसोशिएट हुए, अल्फा। अच्छा इसका एक मोल इसका एक बनाता, इसका एक बनाता, इसका अल्फा निकला, तो इसका अल्फा बनेगा और इसका अल्फा बनेगा, बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अरे इसके एक मोल के डिसोसिएशन से इसका एक मोल बनता है, इसके एक मोल, इसके अल्फा डिसोशिएट हुए तो इसका अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बनेगा। अल्फा कैन बी एनीथिंग, 0.5 हो सकता है, 0.7, 0.8 और हो सकता है एक भी हो, एक से ज्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि अल्फा का मतलब ही क्या होता है, एक में से कितने मोल डिसोशिएट हुए, क्लियर हो गया। मैक्सिमम मोल्स ही एक लिए अपन ने, तो एक से ज्यादा तो डिसोसिएशन नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो एक में से अल्फा, अल्फा ये बना, अल्फा ये बना। अब मुझे निकालना है आई, तो आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, आई का फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल। अच्छा डिसोसिएशन हो गया, ये कब की बात है, आफ्टर डिसोसिएशन, और ये कब की बात है, बिफोर डिसोसिएशन, क्लियर होती है बात मेरी, ये बिफोर डिसोसिएशन की बात है। आफ्टर डिसोसिएशन उस सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, देखो सर अल्फा मोल्स तो हैं Na प्लस के, बिल्कुल सही बात है, अल्फा मोल्स हैं Cl माइनस के आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है सर, बिफोर एसोसिएशन कितने थे सर, एक हो गया, क्या सॉल्व यही होगा क्या है? नहीं, सुनो ध्यान से फिर से, मैंने कहा Na प्लस के कितने मोल, अल्फा, Cl- के सॉल्यूशन में कितने मोल सर, अल्फा, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल जोड़ने आपको, अरे भाई NaCl के भी तो मोल बच रहे हैं अल्फा, 1 - अल्फा, तो ये भी तो जुड़ेंगे सर, प्लस 1 - अल्फा, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, डिवाइडेड बाय 1, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स कितने हैं, अरे भाई अल्फा इसके और इसके कितने बचे हुए हैं अभी, 1 - अल्फा, क्लियर हो रही है बात मेरी। तो आई कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 - अल्फा बाय 1, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन अल्फा 100% है, वापस से मान लो अल्फा 100% है, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है, करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, विश्वास नहीं है तो मुझ पे। अब अल्फा की जगह जब 1 आ जाएगा तो सुनना ध्यान से, I is equals to 1 - अल्फा, 1 - 1 प्लस 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, भाई अल्फा की जगह 1 रखने लग गया, क्लियर होती है बात मेरी, कितने बचे 0, 1, 2 - 1, आई कितना आया 2 - 1, और ये बात हमने कल ही कर ली थी कि जब अल्फा 100% हो तो NaCl के लिए आई कितना होगा 2, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन आपका अल्फा 100% नहीं है, आपका अल्फा 0.5 है या 50% है, 50% मतलब अल्फा कितना हो गया 0.5, अच्छा तो अल्फा की जगह क्या रखोगे 0.5, अब इसके 0.5 मोल डिसोशिएट हुए तो इसके कितने बनेंगे 0.5 और इसके भी कितने बनेंगे 0.5, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, बिल्कुल क्लियर होती है सर। तो I is equals to क्या सर, I is equals to after dissociation कितने मोल, 0.5 इसके प्लस 0.5 इसके प्लस
ये भी तो अभी सॉल्यूशन में है, नहीं है क्या? अरे भाई NaCl का आधा मोल डिसोसिएट हुआ है, आधा तो है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इसके भी कितने 0.5 डिवाइडेड बाय 1, और यू कैन से 1 माइनस 0.5 अल्फा आपका कितना है 0.5, समझ में आई होगी बात, ठीक है, तो निकाल देंगे यहां से अगर अल्फा 100% ना भी हो तो, है ना, वो देगा आपको जैसे आपसे कह दिया कि अल्फा जो है 30% है ना, अल्फा जो है 30% है, तो बताइए इसका आई क्या होगा, रिएक्शन लिख के दे देगा, कर दोगे 30% मतलब अल्फा की वैल्यू क्या 0.3, कितनी 0.3, और करते हैं एग्जांपल, टेंशन मत लो, घबराने लग जाते हो तुम लोग, देखो इधर मैंने कहा आपके पास है MgCl2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसोशिएट हुआ किसमें Mg2+ प्लस 2Cl- में, मैंने कहा इनिशियली मेरे पास इसका कितना मोल था 1 मोल, इसके 0 और इसके 0, अब मैंने कहा एक में से कितने मोल डिसोशिएट हुए, पूरा एक नहीं हुआ, अल्दो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका पूरा एक ही होता है, पर क्वेश्चन में कह दिया कि एक नहीं हुआ, क्वेश्चन में ये कह दिया कि एक मोल इसका डिसोशिएट नहीं हुआ, तो हमने कहा ठीक है कितने मोल मान लें अल्फा, कितने डिसोशिएट हुए एक में से अल्फा मोल, सर अल्फा निकल गया, अब इसका जब अल्फा निकलेगा, इसका पूरा एक मोल डिसोशिएट होता तो एक इसका बनता, दो इसके बनते, इसके अल्फा निकले तो इसके कितने बनेंगे अल्फा, और इसके कितने बनेंगे 2 अल्फा, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, आई कैलकुलेट कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बनाना सीख गए तो लिख दोगे आई क्या आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल सॉल्यूट के, कितने मोल सर अल्फा प्लस 2 अल्फा, भाई अल्फा इसके हैं सॉल्यूशन में, अब 2 अल्फा इसके हैं और 1 माइनस अल्फा इसके भी तो हैं डिवाइडेड बाय 1, बोलो क्लियर है बात मेरी, अल्फा की वैल्यू रख देना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा वो आपको, क्लियर है बात मेरी, जैसे मुझसे कहा कि भाई आपके पास AlCl3 है, ठीक है, ये टूट गया किसमें Al3+ प्लस 3Cl- में, इस बार कह रहा है कि अल्फा मोल ही डिसोसिएट हुए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा है 100% नहीं है, है ना, अल्दो अगर नहीं दे ना, सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं, NaCl MgCl2 AlCl3 Na2SO4 K4 FeCl का होल 6, इनके लिए अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे, या किसी के लिए भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे, तो कितनी माननी है 1, इनका अल्फा 100% होता है, क्लियर हो रही है बात मेरी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरे के पूरे टूट जाते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद, और ये सारे कैसे एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर भी हम सारी सिचुएशंस देख रहे हैं ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सारी सिचुएशन देखेंगे, अच्छा मैंने कहा AlCl3 का 1 मोल था, इसके 0 इसके 0, कोई समस्या नहीं है सर, इसके कितने मोल डिसोसिएट हुए अल्फा, अब अल्फा 1 भी हो सकता है, 0.9 भी, 0.8 भी, कुछ भी हो सकता है, हमने कहा इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हुए तो इसके अल्फा बनेंगे और इसके 3 अल्फा बनेंगे, इसका 1 मोल डिसोसिएट होता तो इसके 1 बनते इसके 3, अल्फा निकला तो इसके अल्फा बने इसके 3 अल्फा बने, सही है सर, I=2 क्या सर अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, डिवाइडेड बाय 1, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लेना, बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन इतने मोल, बिफोर डिसोसिएशन इतने मोल, क्लियर इतना, अच्छा जैसे एक और एग्जांपल देखो, अब एसोसिएशन का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट इमेजिन मैंने कल बताया था आपको कि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं, है ना, कब, जब इनको बेंजीन में डाला जाए, किस में डाला जाए, बेंजीन में, ठीक है, तो बेंजीन में डाल दिया इसको, बेंजीन में, है ना, तो इसके डाइमराइज हो गया, डाइमराइज होके इसके 2 मोल लिए थे, उन्होंने क्या बना दिया देखो जरा, CH3 C=O, है ना, OH CH3 C, इसको मिटा रहे हैं, CH3 COH और CH3 C=O, इस तरह डाइमराइज हो जाएगी, है ना, अब मैंने कहा इनिशियली मैंने इसका 1 मोल लिया, कितना 1 मोल, इसका कितना 0, अच्छा इसके अगर 2 मोल होते तो इसका कितना मोल बनता 1 मोल, ठीक है, इसके 1 मोल है तो कितना मोल बनेगा आधा, ये कब, जब अल्फा कितना हो 100%, पर हम तो मान रहे हैं कि अल्फा 100% नहीं है, हमने कहा कि एक में से इसका कितना मोल एसोसिएट हुआ, 1 मोल एसोसिएट हुआ, कितना मोल एसोसिएट हुआ इसका, 1 मोल एसोसिएट हुआ, क्लियर हो रही है बात मेरी, अगर इसका अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, वेरी सॉरी मैंने कहा 1 मोल में से कितना मोल एसोसिएट हुआ, अल्फा मोल एसोसिएट हुआ इसका, क्लियर हो रही है बात मेरी, अगर पूरा 1 मोल एसोसिएट होता तो इसके बनते
आधे मोल। क्लियर है बात मेरी? अरे पता है हमें, अगर इसका एक मोल दो मोल एसोसिएट हो रहे हैं, स्टोइकोमेट्री देखो दो मोल एसोसिएट होके इसके कितने मोल बना रहे हैं, एक। अगर एक एसोसिएट होगा तो कितने बनेंगे, आधा। अल्फा एसोसिएट होगा तो कितना बनेगा, अल्फा बाय 2। क्लियर हो गई बात मेरी? आपसे कहा व्हाट इज वन टॉप फैक्टर फॉर दिस, तो आपने कहा आई इज इक्वल्स टू सर 1 अल्फा, है ना भाई, इसके मोल प्लस इसके मोल प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। क्लियर होती है बात मेरी? आफ्टर बिफोर, फिर से आफ्टर बिफोर, क्लियर है। आफ्टर ये मोल तो है ही, एसोसिएट हुए हैं, ये बच भी तो रही है, ये बच भी तो रहे हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? एक दो एग्जांपल और देखो, जैसे जैसे मैंने कहा कि कोई कोई कंपाउंड है वो ट्राइमराइज हो गया, वो ट्राइमराइज हो गया, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैंने कहा आपके पास था x, ठीक है, 3x, और ये ट्राइमराइज होकर क्या बनाता है, x3। इनिशियली इसका एक मोल है ना, इसके 0 मोल, हाँ आप सही है, इसके 3 मोल भी ले सकते हो, है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके 3 मोल मान लो, इसके 0 मोल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मान के करो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। इसके एक मोल एसोसिएट होके इसके कितने मोल बनाएंगे, इसके 3 मोल एसोसिएट होके इसके कितने मोल बनाएंगे, 1 मोल, हाँ है ना, ठीक है। अगर इसका 1 मोल एसोसिएट हो तो इसके कितने मोल बनेंगे, पूरा का पूरा मोल एसोसिएट हो गया, पहले तो हम यही मान के बात करते हैं कि अल्फा कितना है 100%। अगर इसका 1 मोल एसोसिएट हो तो इसके कितने मोल बनेंगे सर, 1/3, हाँ है ना। अरे 3 मोल 1 मोल बना रहे तो 1 मोल 1/3 मोल बनाएगा, हाँ है ना, पर हम तो कह रहे हैं कि एक भी एसोसिएट नहीं हुआ, अल्फा एसोसिएट हुआ है, तो कितने बनेंगे सर, बहुत आसान है, अल्फा बाय 3 भाई, इसका एक मोल एक बार 1/3 या 1/3 मोल्स बना रहा है, तो अल्फा अल्फा बाय 3 बनाएंगे, ठीक है। मैंने कहा आई विल बी इक्वल्स टू आफ्टर अपॉन में बिफोर, आफ्टर कितने मोल्स, अल्फा बाय 3, ये बचे हैं सॉल्यूशन में, बने हैं एक्चुअली, बचे नहीं है, और ये बच गए इसके, क्योंकि अल्फा निकला ना, प्लस 1 - α / 1, तो वन टॉप फैक्टर क्या हो जाएगा, ये निकालना सीख रहे हैं वन टॉप फैक्टर आप लोग, ठीक है। अल्फा अगर आपको दिया हो तो आप आराम से वन टॉप फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है, आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप 10th क्लास में हैं, हाँ सर हम हैं, लगता क्या है आपको, तो आपको ये आता है, क्लियर है, फिर भी नहीं आता है तो बता देना, ठीक है, घबराने की बात नहीं, हम सीख लेंगे, है ना, दोबारा सीख लेंगे, चलिए क्लियर होता है इतना। एक और एग्जांपल दें लास्ट, चलो देखो इधर, देखो इधर, मैंने कहा कि आपके पास है कोई ए, 4 ए के मोल है, है ना, और ये डिसोसिएट एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, A4, ठीक। हमने कहा इनिशियली इसका एक मोल था, इसके 0 मोल थे, इसके कितने मोल निकले, अल्फा, इसके कितने बनेंगे, अल्फा बाय 4, समझ गए ना बात, कितने बनेंगे, इसके 4 बनाते 1 मोल, अल्फा बनाएंगे, अल्फा बाय 4 मोल, ठीक है। आई बताओ, बोलो जल्दी से सर, अल्फा बाय 4 प्लस 1 - α / 1, ये क्या हो जाएगा, आई। क्लियर है बात मेरी इस केस में? क्लियर होती है बात मेरी? तो चाहे डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो, अल्फा तो अल्फा हो अगर आपके पास, तो आप आई तो निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आई का कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब फिर से सुन लो एक बार, वन टॉप फैक्टर का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। आई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्लियर है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर है बात मेरी? या केवल आप इतना याद रखो कि आई क्या बताता है, कितने गुना पार्टिकल बढ़ गए या कितने गुना पार्टिकल घट गए, यही तो बताता है आई, ठीक है, यही तो बता रहा है। क्लियर हो गई बात मेरी? अगर अल्फा 100% है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर अल्फा 100% ना हो के कुछ और दे रखा है क्वेश्चन में, 0.5, 0.2, 0.7, है ना, उसको परसेंटेज में भी दे सकता है कि अल्फा 30% है, 30% मतलब एक में से 0.3 मोल्स निकल गए, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अल्फा कितना हो गया, 0.3, 40% है मतलब 0.4, 45% है मतलब 0.45, एक में से निकालते हैं, क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, कोई दिक्कत है यहां तक, चलिए अब सुनो आगे। अच्छा एक बात बताओ, आई जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, अच्छा इन दोनों में से सच्चाई क्या है, मतलब अरे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए पढ़ाया हमने सब,
याद है आपको, है ना, उसको तो भूल गए आई निकालने के चक्कर में कि पढ़ा क्यों था। अरे भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक काम करें, आप जाएं कल की वीडियो पर और शुरू कर दें, शुरू के 6 मिनट मैंने यही भाषण दिए थे, है ना, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अच्छा ध्यान से देखो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बोलो क्लियर होती है बात या नहीं होती है? अच्छा इन दोनों में से सच्चाई है, या मैं ऐसा कहूंगा आपसे कि जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या छोड़ो कैलकुलेटेड को, जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपने एक्सपेरिमेंटली निकाली है, इन दोनों में से किस पर डिपेंड करेंगी? सर किस पर? अरे भाई सच्चाई तो यही है ना, आफ्टर। क्लियर हो रही है बात मेरी, है ना? आप कितने मोल सोच रहे थे, डजंट मैटर, कितने मोल है सर, इतने एक्चुअली में इतने मोल है ना अभी, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऊपर लिखे हुए हैं, क्लियर है, सच्चाई तो यही है। और यही किसको बताएगी? एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। भाई जो आपकी अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी? इस पर। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? अरे अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो इस पर डिपेंड करेगी कि इस पर, जो ऑब्जर्व आएगी, जो एक्चुअली में सच्चाई है, जो सच बात है, वो तो इसी पर करेगी ना कि बाद में यार कितने मोल्स हो गए। क्लियर है बात मेरी? उसी पर तो सारा मामला डिपेंड करेगा। यानी कि ये जो है ये बता रही है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। क्लियर है बात मेरी? हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सर कैसे लिख दिया, समझ में नहीं आई बात। अरे भाई खुद से समझो यार, सोचो जरा। मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, और एक्चुअली में क्या इसका रिलेशन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से नहीं है? बिल्कुल है। क्लियर है बात मेरी? इसको देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ऐसा लिख दूं आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व है वो इसी पर तो डिपेंड करेगी, ठीक है। अब क्या ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन पर डिपेंड कर रही है, तो आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बिल्कुल होगी सर। सिमिलरली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। अरे जो पहले वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल थे, पहले वाले जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल थे, इसको मैं बाद में भी फील करा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यही समझ में आ जाए मामला, है ना। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, क्या आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो पार्टिकल्स हैं? बिल्कुल है। क्या यहां आई को मैं ऐसे लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये अलग इक्वेशंस में लिखना चाहिए था, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ सर बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक है। हमने आई का एक नया फॉर्मूला निकाला, आई इज इक्वल्स टू, इक्वल कर देते हैं इसको दोनों को साथ में लिखने के बाद, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर बात आधी समझ में आई यहाँ की, आधी नहीं आई, मुझे पता है आगे अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो कि आई का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये, ठीक है, आई का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ये कि आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से सच्चाई क्या है? सर सच्चाई है ये, सच्चाई मतलब एक्सपेरिमेंटली तो सच्चाई होते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटली कौन सी निकाली ये। क्लियर है बात मेरी? यानी कि सर अगर मुझे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है कॉपी पे, तो सर मुझे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता हो, है ना, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता हो, और मुझे पता हो वांट हाफ फैक्टर, तो मैं क्या निकाल दूंगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मैं यहां लिख देता हूं यही आपकी सच्चाई है। हाँ स्पेलिंग गलत है, सच्चाई है, ऐसे लिखेंगे क्या है, यही क्या है आपकी सच्चाई, सच्चाई मतलब एक्सपेरिमेंटली तो यही बात सामने आएगी,
क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, फिर से कोई दिक्कत आए तो, मैंने कहा I is equals to observed colligative property divided by calculated colligative property, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि भैया observed colligative property depend करेगी after association और dissociation के बाद कितने moles हैं solute के, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले वाले पर डिपेंड कर रही है, तो मैंने इसको इक्वल लिख दिया इसके, यहां से ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू आई। ठीक है, इतना बहुत बढ़िया। अब आगे सुनेंगे आप लोग। अब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बारी बारी से लिखेंगे। हमने पढ़ा था पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नोट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ध्यान है आपको? ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट कैसे करते थे सर? जीटा सॉल्यूट ऐसे ही तो करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे? जीटा सॉल्यूट से, ये हमारी कैलकुलेटेड थी। अब मुझे ये कैसे निकालनी है? ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली निकालनी। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 फैक्टर से, तो क्या मेरी समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई अगर इसको अब सही करना है आपको, ये सब काम कब करोगे? इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो मोल्स बदलते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जब आप करोगे, तो ऑब्जर्व जब निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? यही तो थी कैलकुलेटेड, किसके साथ? आई के साथ। एक और समझो, है ना, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। सेकंड, हमने पढ़ी थी डेल्टा टीबी किसके बराबर होती थी? के एफ इंटू एम के, है ना, अरे के बी इंटू एम के, एफ ज्यादा ध्यान रहता है मेरे को, के बी इंटू एम के। क्लियर होती है बात मेरी? अब ये कैलकुलेटेड थी, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? आई के साथ। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, मैंने कहा थर्ड डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू क्या था? के एफ इंटू एम, है ना। अब ये कैलकुलेटेड थी, मुझे ऑब्जर्व निकालनी है ना, मुझे सही बात जाननी है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? आई के साथ। नया फॉर्मूला आ गया। एक और देखो, मेरे पास पाई था, अब मुझे ये ऑब्जर्व निकालना है, इलेक्ट्रोलाइट का केस है, तो मैं पहले तो कह रहा था MRT, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा? आई के साथ। तो ये क्या आ जाएगी? हमारी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पहले निकाल रहे थे, ध्यान से पहले निकाल रहे थे, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 फैक्टर के साथ इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इतनी सी कहानी है बस। क्लियर है बात मेरी? इतनी सी कहानी के लिए हमने दो लेक्चर दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई, है ना। फिर से सुन लो एक बार, कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना है क्या कि आई विल बी इक्वल्स टू क्या, या ऐसे कर देते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल्स टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे निकाल रहे थे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, मैं आपको इसको बहुत आसानी से फील कराता हूँ। देखो सुनो, कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा ले, पाई उठा लेते हैं, हमें पता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही पढ़ा था ना हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर होती है बात मेरी? अब मान लो मेरे पास NaCl का एक मोल था। ठीक है, कितने मोल हो गए NaCl के? दो मोल हो गए NaCl के डिसोसिएशन के बाद, कितने मोल हो गए? दो मोल हो गए। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये दुगनी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्लियर है बात मेरी? यानी कि आई को दो रखेंगे तो हमारे पास सही ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लियर है बात मेरी? इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मोर क्लियरिटी आएगी आपके कंसेप्ट में। ठीक है, करेंगे क्या, एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है फॉर्मूले को। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, वहां से क्लियरिटी आ जाएगी आपके कंसेप्ट में अच्छे से। मुझसे कहा आपके पास 1 एम NaCl है ना, आपके पास 1 एम यूरिया है। ठीक है, इन दोनों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा एट सेम टेम्परेचर? ठीक है, सेम टेम्परेचर पर या बराबर होगा? सुनो, हमने अभी तक पढ़ा था पाई इज इक्वल्स टू MRT आज से पहले, आज हमने पढ़ लिया पाई इज इक्वल्स टू MRT इंटू आई। आज हमने क्या पढ़ लिया? पाई इज इक्वल्स टू MRT इंटू आई। अच्छा सुनो, पहले जो पढ़ा था उसके हिसाब से पाई वन इज इक्वल्स टू M1 RT, पाई टू इज इक्वल्स टू M2 RT, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है? ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, दोनों की मोलरिटी सेम है, M1 सेम है M2 के, कह रहा है 1 mNaCl है 1 mUria। क्लियर होती बात नहीं? ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1 m 1 m, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, AlCl3 और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 m ग्लूकोज का।
ठीक है। अब इसके लिए मैं लिख देता हूँ पाई थ्री इज इक्वल्स टू एम थ्री आर टी, और इसके लिए लिख देता हूँ पाई फोर इज इक्वल्स टू एम फोर आर टी, ठीक है। अब सुनो, टेम्परेचर सेम होगा, कह रहा हूँ सेम टेम्परेचर की कहानी है, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट है, तो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर सब तो सेम है, यानी कि सर पाई वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर सेम आना चाहिए, लेकिन ये कब कहते हैं आप, कल की क्लास से पहले, है ना, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो कहानी बदल जाएगी। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, हम सोच रहे थे कि इसके कितने मोल हैं, एक मोल है, इसकी मोलिटी कितनी है वन, क्लियर होती है बात मेरी, बट एक्चुअली में सॉल्यूशन में इसमें इसके कितने मोल हो गए सॉल्यूशन में जाने के बाद, दो, ठीक है। हमने कहा पाई वन इज इक्वल्स टू एम वन कितना वन, ठीक है, इन टू आर इन टू टी, अब इसका वन टाफ फैक्टर क्या है, दो मल्टीप्लाई बाय दो, क्लियर हो गई बात मेरी, यानी कि इसका पाई कितना आया टू एम आर टी, एम आर टी सोच रहे थे, पर हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गुना बढ़ गए, दुगना बढ़ गए, तो टू इंटू एम आर टी, ठीक है। पाई टू किसके इक्वल हो जाएगा सर, पाई टू इज इक्वल टू एम टू आर टी, अच्छा ये कितना है वन, यहां भी वन ही है ये, अरे यहां भी वन था यहां भी वन ही है, यहां तो पार्टिकल्स बढ़ गए इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया, दो से, वन टा फैक्टर से, ठीक है। अब सुनो ध्यान से ये ऐसे समझो यार, नया फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, है ना, इतना आलस ठीक नहीं है, यहां तक तो क्लियर होता है आपको, अब यही तो था ना फॉर्मूला आज जो पढ़ा हमने, यही तो था, आई से मल्टीप्लाई कर दो, चारों पे लगा दो फॉर्मूला, पाई वन इज इक्वल टू एम वन सेम है, आर वन सेम है, टी आर सेम है, टी सेम है, आई कितना है इसके लिए दो, हाँ है ना, तो इसको लिख दिया मैंने टू एम आर टी, ठीक है। अच्छा यहां देखो पाई टू इज इक्वल टू, यहां पर एम सेम है इसी के, आर सेम है, टी सेम है, आई कितना होगा यूरिया का, यूरिया क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका एक मोल डालो सॉल्यूशन में, घुलने के बाद कितने मोल रहेंगे, एक ही तो रहेगा, दो तीन थोड़ी हो जाएंगे, नहीं एक ही रहेगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा यूरिया का एक मोल डाला एसोसिएट करके आधा हो गया, ना यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको कोई मतलब नहीं इन चीजों से, ठीक है। तो इसके लिए आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल या एसोसिएशन, सर हुआ ही नहीं एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एक ही मोल रहा, पहले भी एक ही मोल थे, तो वन का फैक्टर अगर निकलवाए भी तो कितना निकलेगा, वन बाय वन इज इक्वल टू वन, तो हमने कहा एम वन एम वन आर टी इन टू वन, है ना, लिखो चाहे मत लिखो कितना है एम आर टी, ठीक है। वन एम ए एल सी एल थ्री, देखो जरा पाई थ्री कितना है इसका एम थ्री, या एम तो मान लेते हैं इसको आर टी, और इसका आई कितना होगा तीन, क्लियर होती है बात मेरी। वन एम ग्लूकोज तो क्या ले लें इसको पाई फोर विल बी इक्वल्स टू एम आर टी, और सिंस ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय वन, या यू कैन से एम आर टी, क्लियर है बात मेरी। अब सुन लो यार ध्यान से बात, यहां पार्टिकल दुगने हुए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी हो गई, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स दुगने हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी हो गई, है ना, यहां पर पार्टिकल्स उतने ही रहे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वही रही, यहां पार्टिकल्स तीन गुना हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तीन गुना हो गई, यहां पर पार्टिकल्स उतने ही रहे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही रही, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। यहां से आपको बहुत बहुत फील आया होगा कि वन टॉफ फैक्टर एक्चुअली में क्या है, अब मल्टीप्लाई कर दो वन टॉफ फैक्टर से, यही तो बताता है वन टॉफ फैक्टर कि कितने गुना पार्टिकल बढ़ गए, जितने गुना सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने गुना सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे उतने गुना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर है बात मेरी। ये फॉर्मूले आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर भी लगा सकते हो, फॉर्मूला फिर से सुन लो, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड इनटू आई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर भी लगा सकते हो, हम जानते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूरी दुनिया जानती है हम क्या आई किसके बराबर होगा वन के, तो आप वन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे वन टाफ फैक्टर से, और वन टाफ फैक्टर कैसे निकालोगे, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितने मोल अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने मोल, अगर अल्फा वन है तो बहुत बढ़िया बात है, यहां नहीं दिया था तो हमने कितना माना था वन, अगर वन नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां से पूरी तरह से आपको वन टॉप फैक्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, अल तो मैं सोचता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, है ना, तो आप पूछ सकते हैं, वैसे मैंने बहुत कोशिश की कि आपको एक सिक्स क्लास के बच्चे की तरह समझाऊं,
आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है। आ गई होंगी, नहीं आई हो फिर भी आप दोबारा पूछ लें, अल्फा में कोई प्रॉब्लम हो, आई में कोई प्रॉब्लम हो, या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप पूछ लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा, इसको मत छोड़ना। और मुझे तो ऐसा लगता है इस साल जरूर सवाल आएगा, इसमें से आएगा, बोर्ड्स वगैरह में जरूर आएगा इसमें सवाल, क्योंकि इस साल नहीं आया है, तो अब जो पेपर होंगे उनमें आने के चांसेस बहुत है, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, है ना, प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू।